अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को, उसके बाद उन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन जो कि हाइड्रेटेड है, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, पॉलीहाइड्रोक्साइल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बेसिकली जो पॉली हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब है बहुत सारी जो हाइड्रोजन है उसकी प्रेजेंस। पॉली हाइड्रोक्साइल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, पॉली हाइड्रोक्साइल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच यील्ड, या फिर ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि यील्ड करें पॉली हाइड्रोक्साइल्डिहाइड को या फिर कीटोन सब यूनिट्स को ऑन हाइड्रोलिसिस। अब हमने देखना हाइड्रोलिसिस क्या है। हाइड्रोलिसिस है ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो कह रहा है ऐसे कंपाउंड्स जो कि पहले तो उसने बोला कि पॉलीहाइड्रोक्साइल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्साइकीटोन्स या फिर ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें देते हैं पॉलीहाइड्रोक्साइल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्साइकीटोन्स सब यूनिट्स, उनको हम कहते हैं जी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उनके जो बेसिक जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं पहले उनको देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है कि दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। और इनकी जो रेशियो होती है एच और ओ की, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो सेम वाटर वाली रेशियो होती है जो कि 2:1 है, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इनका जनरल फार्मूला देख लेते हैं जो है CN H2O N, जिसमें जो N है वो होल नंबर है, यानी वो नंबर ऑफ कार्बन हैं। कभी कार्बन नंबर्स जो हैं वो 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, एंड सो ऑन। 3 टू मैनी थाउजेंड्स कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। फर्दर हम लोग देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की सोर्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स हैं, या फिर दे आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखनी है इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइटिंग को आप लोग ज़रा इग्नोर करें। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सेल्स के ऑल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सेलुलोज का स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज वुड कॉटन एंड पेपर, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट दे एक्ट एज स्टोरेज कंपाउंड्स के तौर पे ये काम करते हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है स्टोरेज कंपाउंड्स की स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है इस प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड रूट ट्यूबर्स। सीरियल्स क्या है, हमारे पास जो क्रॉप्स हैं सारी वो सीरियल्स में आ जाते हैं, रूट ट्यूबर्स में पोटैटोज आ जाते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कैन शुगर एंड मिल्क शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स कैन शुगर में भी है और मिल्क शुगर में भी है। कैन शुगर कौन सी है, सुक्रोज, और मिल्क शुगर है हमारे पास लैक्टोज। ये आप लोगों ने याद रखना है, कैन शुगर और मिल्क शुगर आर इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। कैन शुगर इज़ सुक्रोज एंड मिल्क शुगर इज़ लैक्टोज। नेक्स्ट ये वो कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फॉर ऑर्गेनिजम्स वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के लिए 3 इंपॉर्टेंट जो है ना वो कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज एंड फैट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसलिए हम इसको कंज्यूम करते हैं थ्रू डाइट। नेक्स्ट कह रहे हैं जी सम कार्बोहाइड्रेट्स मेक सेल वॉल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स की और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल को भी बनाते हैं। नेक्स्ट यूजली कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स के साथ, और उनको हम कह देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होते हैं लिपिड्स के साथ उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इन कंपाउंड्स को जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का मिक्सचर होते हैं, उनको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है एनिमल्स का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिनमें बैक्टीरिया हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा इनका एक और फंक्शन है बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन वगैरह, उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। और आज की बस इतनी सी वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।